ये गुब्बारे उड़ाकर और देखिए ये पट्टिका है इसमें भी फाइनल आज हो रहा है। मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा, जगमिंदर जी, दिव्या जाधव जी, मुराद अली जी, अब मैं एक बार जोरदार तालियां सर सर एक सर्विस मार दीजिए। आप लोग पलक की छुपी हुई और नाम की छुपी हुई प्रतिभा है, आपका सम्मान कि हमने ऐसे प्रतिनिधि भेजे जिन्होंने हर लोगों के बीच रहकर और एक सुंदर आयोजन खेल स्पर्धा सांसद प्रतियोगिता कराई। चेयरमैन डॉक्टर एस सी कुलशेष श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज, आपको शपथ दिला रहा हूँ, मैं बोलूंगा उसी को आपको रिपीट करना है। शोल उड़ाकर के करेंगे जोरदार तालियों के साथ। आम लोगों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का हम सम्मान करेंगे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी खिलाड़ियों के लिए। हमें कोड़ा कुछ तो मंच पर आ जाए हमारा चीता आएगा आप लोग भी। आज सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम है, क्या कहना चाहती है इसके लिए? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि हमारे मुजफ्फरनगर जिले में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और इसीलिए हमारे मुजफ्फरनगर के बच्चे और भी आगे निकल के आ रहे हैं। ऐसे ही खेल इवेंट्स होते रहेंगे तो आज जैसे मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, ऐसी और भी लड़के ऐसे मुजफ्फरनगर से आगे निकल के आएंगे। महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? यही मैसेज है कि अपनी पहचान खुद बनाओ और आज लड़कियां चांद तक पहुंच रही है तो हमें भी कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कोई ना कोई गेम जरूर ज्वाइन करना चाहिए और आगे निकल कर आना चाहिए। अच्छा, पहली बार इसका सांसद खेल जा रहा है तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप यही है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट लेना चाहिए। हार जीत तो बात की बात है पर लेकिन पहले हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और जैसे मैंने यहाँ पे देखा कितने युवाओं में बहुत उत्सुकता है खेल के लिए, हर एक गेम के लिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसे युवा आगे निकल कर आएंगे। पहली बार मुजफ्फरनगर अपने जिले में आपको सम्मान मिल रहा है? मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैं गांव से निकली हुई हूँ, मेरा गांव पुरवालियान है, मैं गांव से निकली हुई और आज मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुशी भी और सबका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया जिसके कारण आज मैं यहाँ। दिव्या, पहली बार मुजफ्फरनगर में सांसद खेल स्पर्धा हो रही है, किसी सरकार के कार्यक्रम में नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहती है इसके बारे में? हाँ जी, जब से संजीव बालियान सर आए उन्होंने काफी खेल के लिए और भी चीजों के लिए बहुत ज्यादा सोचा है और पहली बार ये ऐसा यहाँ पे हुआ है तो उस चीज के लिए काफी खुशी है। ऐसे ही आगे बच्चे निकल कर आएंगे। थैंक यू। मंत्री, सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ, हम सब देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में सांसद खेल स्पर्धा का आज ये समापन कार्यक्रम चल रहा है। 22-23 तारीख आज ये पूरे जनपद में जिस प्रकार का ये आयोजन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश भर के सांसदों को ये सांसद खेल प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया गया। मुजफ्फरनगर में विशेष रूप का बहुत शानदार आयोजन, डॉक्टर संजीव बालियान जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं उनका सार्थक प्रयास इसके अंदर है और बहुत शानदार आयोजन। 10,000 से अधिक युवाओं ने, बेटियों ने इसके अंदर सहभागिता की। प्रत्येक बॉल पर, प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतियोगिताएँ हुई। ब्लॉक पर प्रतियोगिता होने के बाद आज ये श्रीराम कॉलेज मुजफ्फरनगर का हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये समापन कार्यक्रम है। इसमें आज सेमीफाइनल गेम हो रहे हैं, उसके बाद कल फाइनल होंगे और हमारे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और खेल का विशेष रूप से विभाग उनके पास है, कल आके समापन करेंगे। बहुत शानदार ये आगाज हुआ है युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का, आगे बढ़ने का, प्रतिस्पर्धा करने का और परिश्रम करने का। और इससे सबसे बड़ी बात है कि नई ऊर्जा का एक संचार युवाओं के अंदर पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की अलग प्रकार की सोच
ये इसमें दिखती है, प्रकट होती है और देश आगे बढ़ रहा है, इस बात का प्रतीक है। कल जीत के बाद जो प्रतिभागी जीतेंगे या इनाम दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, क्या प्रदेश सरकार की तरफ आप उनकी एक तरह से आप उनके सहयोग करेंगे, प्रदेश सरकार की तरफ से भी कुछ मिलेगा? प्रदेश सरकार लगातार आयोजन कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है। माने मुख्यमंत्री जी ने अभी पैरा जितने हमारे ओलंपियाड थे उनका मेरठ में ला के अभिनंदन किया, लखनऊ में अभिनंदन किया। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कर रही है, कल भी प्रतियोगिताएं थी जनपद स्तर की, पर ये सांसद खेल प्रतिस्पर्धा है और उसी के माध्यम से उनका इनाम जो जो टीमें जीतेंगी उनको देने का काम होगा। जनपद से जो जीत के जाएंगे उनको क्या सहयोग किया जाएगा? उनको इनाम मिलेगा 51,000 रुपये, 31,000 रुपये, 21,000 रुपये। तो आज भी आपने देखा होगा मंच पर उनको मेडल दिए गए, जितने हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, जितने हमारे अर्जुन अवार्डी हैं और हमारे द्रोण अवार्डी हैं, या पूरे जनपद में जो जो हमारी खेल प्रतिभाएं रही हैं उन सबसे इसका शुभारंभ कराया गया, उद्घाटन कराया गया, उनको सम्मान किया गया ताकि उनसे नौजवान प्रेरित हो सके। जिस तरह आज जो है मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ी यहाँ एक ही मैदान में खेलते नजर आ रहे हैं, क्या आगे भी ऐसा कोई मौका है? हमारा प्रयास है कि प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हम करें। धन्यवाद प्रियंका जी। आज आपके जिले में जो है खेल स्पर्धा, सांसद खेल स्पर्धा हो रही है, आपके समय की अगर बात की जाए और अब की समय की बात की जाए तो कितना फर्क मानते हैं, किस तरह से खिलाड़ी को जो है गांव-गांव से प्रतिभा निकाल के लाया जा रहा है? मेरे पूरे 20 इयर्स के कैरियर में मैंने फर्स्ट टाइम ये इतना अच्छा माननीय मंत्री जी बालियान साहब ने जो ये आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा आयोजन किया है और इससे खेल बहुत ऊपर जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही ओलंपिक में हमारे ज़िले से कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेके आएगा। नहीं, अगर खेल जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का स्ट्रगल करते थे कि गांव-गांव में संसाधनों की कमी होती थी? जी, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो सभी गेमों में मैंने ये देखा है कि हमारे ज़िले में कोई भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, स्पोर्ट्स हॉस्टल नहीं है, स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए हम लोग को मतलब लखनऊ जाना पड़ता था और दिल्ली जाना पड़ता था, और दिल्ली में क्या है कि डाइट वगैरह बहुत महंगी है, रहने का खर्चा बहुत है, तो वो लोग क्या है यहीं पे चैन टूट जाती है स्पोर्ट्स पर्सन की, वो लोग वहाँ तक संघर्ष करते करते इतना डाउन हो जाते हैं कि मतलब नहीं पहुंच पाते इंटरनेशनल लेवल तक। बहुत कम जो मतलब जिनकी फैमिली ने सपोर्ट किया या फिर किसी ने और उन लोगों को स्पॉन्सर किया तो वो लोग पहुँच पाते हैं। तो आप लगता है भविष्य अच्छा है आगे आने? बिल्कुल, आज जैसे मॉर्निंग से मैं देख रही हूँ आने वाले उसमें समय में ज़रूर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हरियाणा से नीरज चोपड़ा मेडल लेके आया है तो हमारे क्षेत्र से भी कोई ना कोई बच्चा ज़रूर मेडल लेके आएगा इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक पे और एशियन गेम्स सभी कॉमनवेल्थ वगैरह में। संसाधनों की अगर बात की जाए जिस तरह सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में बहुत टैलेंट है मुजफ्फरनगर में, यहाँ पे वुमेन्स को निकलना मतलब वो लोग नहीं भेजते पेरेंट्स वगैरह, तो हमारे क्षेत्र में एक वुमेन्स हॉस्टल होना चाहिए, बॉयज़ वगैरह तो दूसरे हॉस्टल में चले जाते हैं, एक सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए और सभी गेमों की एक स्पोर्ट्स हॉस्टल स्टेट हॉस्टल खोलना चाहिए सभी गेमों के लिए। देखिए करीब 8,000 खिलाड़ियों ने पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र में इसमें भाग लिया, उन 8,000 खिलाड़ियों में से करीब 750 खिलाड़ी चुन के आज यहाँ जिला स्तर पर आए हैं और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जनपद के जो 30 अंतर्राष्ट्रीय आज तक खिलाड़ी हुए हैं अलग अलग गेमों में जिनमें 6 अर्जुन अवार्डी भी हैं, आज सब नए खिलाड़ियों का आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और इसका मकसद भी यही था कि गाँव में स्तर में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो निकल के सामने आए और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस स्पर्धा को हर साल इसका आयोजन करें। और कल अनुराग ठाकुर खेल मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएँ खेल से जुड़ी हुई जो हम उनके द्वारा कर सकते हैं तो वो भी करने का प्रयास किया जाएगा। ये पहला मौका है जो एक मैदान में मुजफ्फरनगर के सभी बड़े बड़े खिलाड़ी एक मैदान में आज खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आप कह सकते हैं, क्योंकि नए खिलाड़ी भी हैं जो आज 13-14 साल के हैं और जुगमिंदर पहलवान जैसे पुराने खिलाड़ी भी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दोनों हैं, तो उत्साह बढ़ता है। अब बरवाले की टीम का मैच हो रहा हो और जुगमिंदर पहलवान मैच देख रहे हो तो आप सब समझ सकते हैं कि कितने बड़ी खुशकिस्मत होंगे खिलाड़ी ने। मंत्री जी, गांव देहात के जो खिलाड़ी आते हैं उनकी सबसे मूलभूत समस्या होती है उनके जो संसाधन है, खेल के संसाधन, उनको लेकर भी कोई प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए मैं करीब 150 जिम लगवा चुका हूँ और जो यहाँ कुश्ती में या कबड्डी में जो या वॉलीबॉल में जो टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी, चूँकि मैं स्वयं खेल देख रहा हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ जिस गांव में मैं मैट दिलवा सकूँ उनको मैट दिलवाऊंगा, जहाँ और सुविधाएं करवा सकता हूँ। मैंने अपने अधिकारियों से और बाकी विधायकों से बात की है कि हम जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इस जनपद में उसे सुधारने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो ये हर साल जो है इसका